प्रधानमंत्री चाहते थे कि मंत्रिमंडल का परिचय सांसद में हो, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया। शिमला में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सात प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री के राजनीति सलाहकार व महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, यात्रा प्रभारी संजीव कटवाल और सोलन जिला प्रभारी राजीव भल्ला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारत के समान विकास किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, आदर योग्य मेरे मीडिया के मित्रों, पहले तो थोड़ी क्षमा चाहूंगा। थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन इस बात में खुशी है कि जब नई जिम्मेदारी नए विभाग की मिली तो पहले ही दिन प्रदेश की राजधानी में आकर जिन मीडिया के मित्रों ने वर्षों तक हिमाचल के लिए रिपोर्टिंग की हुई, यहाँ से आप सबसे रूबरू होने का अवसर भी मिल रहा है। और अब तो डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपसे ज्यादा मिलना भी होगा, ज्यादा जानकारियां भी प्राप्त होंगी और हम इकट्ठे मिलकर कुछ कर भी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आने में थोड़ा विलंब भी हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में था, क्योंकि लोकसभा का सत्र बहुत नजदीक था, सबको नई जिम्मेदारियां मिली थी और लोकतंत्र में जब दोनों सदनों की कार्रवाई होती है तो ये उचित होगा कि सभी मंत्री जनता से जुड़े हुए विषयों पर विस्तार में अपनी बात रखें और सरकार की नीति और कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाएं। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हुआ वैसे ही सभी मंत्री अपने अपने राज्यों के या कुछ दूसरे राज्यों में भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में गए। मेरा भी ये 5 दिन का दौरा, पहले 3 दिन का प्रस्तावित था लेकिन फिर बाद में 5 दिन का दौरा बना, ताकि चारों संसदीय क्षेत्र 623 किलोमीटर सब में होते हुए चारों लोकसभा के 37 विधानसभा क्षेत्रों को, 8 जिले इसमें कवर होंगे और लगभग 90 कार्यक्रम इसमें। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि वहां से शुरुआत हो। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।